हे hey दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज जो है मैं आप लोगों को अपना रूम टूर जो है देने वाला हूँ। कैसे जो है मैंने अपने रूम को सेटअप किया है अपने यूट्यूब वीडियोस को बनाने के लिए। और ये जो है मेरा एक बेडरूम है और ये 10x10 का एक रूम है और इसमें जो है मैंने अपनी लाइटिंग्स लगा रखी है पीछे की तरफ। और इसी में जो है रूम में मैं बैठ के जो है अपना पूरा जो है वीडियो शूट करता हूँ। और इसी रूम में जो है मेरा एडिटिंग पीसी भी रखा हुआ है, तो मैं यहाँ जो है अपना एडिट भी करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अपनी एडिटिंग पीसी की। आप ये देख सकते हो, ये जो है मेरा एडिटिंग पीसी है जिसको मैं सारा यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए। और ये जो है इसका जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है और कैसे जो मैंने इसको बिल्ड किया है, ये पूरा जो है मेरा वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी चैनल पे, आप उसको जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसका जो प्रोसेसर है वो है राइजन 5 3600, सर्कल गेमिंग का जो है कैबिनेट है। ये देख सकते हो मेरा हेडफोन है सीबी का कॉस्मिक बाइट। यहाँ जो है मैंने एक पॉइंट लगा कर रखा है जिससे कि आप चार जो है कनेक्टर कनेक्ट कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, इसमें चार पेन ड्राइव या कुछ भी हार्ड डिस्क अगर लगाना हो तो आपको उठ के जो है ऊपर लगाने की यहाँ पर पॉइंट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर लगा के ही कर सकते हो काम। यहाँ पर जो है मीवी का जो है प्रोडक्ट है वो कुछ रखे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो मोबाइल का स्टैंड है, इसको जो है मोबाइल को ऐसे ही रखता हूँ मैं जिससे कभी भी अगर कोई कॉल आता है वाइल वर्किंग तो मैं ऐसा पिक कर सकता हूँ। और एक पेड़ जो है रखा हुआ है ग्रीन कलर का, और ये एक आर्टिफिशियल है, ऑरिजिनल पेड़ नहीं है, आर्टिफिशियल है, पर अच्छा लगता है ये जो है ना, टेबल पे एक अच्छा सा दर्द देता है और अच्छा लगता है मुझे। ये मेरा 22 इंच का मॉनिटर है जिसमें मैं सारी एडिटिंग करता हूँ अपनी, और कंफर्टेबल है, IPS पैनल के साथ आता है तो जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो मेरे को अच्छा लगता है ये। और अगर मैं अपने कीबोर्ड और माउस की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो दोनों RGB है। ये जो है कीबोर्ड है मेरा जो कि RGB है, और ये माउस भी जो है मेरा RGB है, एंटी स्पोर्ट्स का जो है ये आता है, और ये जो है अपना कीबोर्ड जो है वो सर्कल गेमिंग का है। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हो थोड़ा सा मैंने जो है ये वाले जो चीज़ें लगाई हैं, ये जो है हेक्सागोनल जो है एक्रेलिक मिरर आते हैं। इस पे से कोई भी अगर प्रोडक्ट आपको परचेस करना है तो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। या आपको कुछ पूछना हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ये जो है एक अच्छा सा लुक देता है कंप्यूटर सेटअप के साथ, आप ये देख सकते हो। थोड़ा दूर से दिखाता हूँ मैं आपको, इसलिए जो है मैंने उसको लगाया था वहाँ पर और बहुत अच्छा लगता है। और कुछ जो चीज़ें हैं मेरे को बहुत अच्छी लगती है, एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, मेरे को जाना चीज़ें डिस्प्ले में रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को उनको देखना हर रोज़ और उससे इंस्पायर होना जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए जो है मैं चीज़ों को क्या करता हूँ ऐसे जो है डिस्प्ले पर रखता हूँ। आप ये देख सकते हो यहाँ पर, तो डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कुछ ऐसा जो है कांच के ऊपर जो है ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, आप ये देख सकते हो, और बहुत अच्छी लगती है ये सब जो चीज़ें हैं। आप ये देख सकते हो छोटा सा जो है ना एक रेंज रोवर का जो है डाइकास्ट रखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछेंगे कि आप कौन सा नेट यूज़ करते हो, तो यहाँ मॉडेम जो है वो नोकिया का है, पर जो नेट है वो मैं यूज़ करता हूँ वो है एयरटेल का जो है मैं नेट यूज़ करता हूँ। एयरटेल का 40 Mbps वाला जो प्लान है वो चल रहा है मेरे यहाँ पर, और बहुत अच्छा है, ईजिली जो है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग हो जाती है 40 Mbps पे, और वीडियो जो है वो स्मूथली 4K जो है ना अपलोड हो जाता है 10 से 12 मिनट में, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और गेमिंग वेमिंग के लिए भी अच्छा है, डाउनलोडिंग के लिए अच्छा है, सर्फिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, तो मज़ा आता है। और बाकी जो है पीछे मैंने थोड़े से LEDs भी लगाए हैं, आप ये देख सकते हो जो यहाँ पीछे सबको दिख रहे होंगे, ये LEDs जो है ये थोड़ा सा और जो है अच्छा टेबल को लुक देता है। तो ये तो रही मेरी बेसिक सेटिंग जो कि मैं पूरी एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। और एक चीज़ जो मैं बता देना चाहता हूँ, ये मैं Logitech का जो है एक C270 जो है ना वेबकैम भी यूज़ करता हूँ, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसका साइड के बाजू में आप ये देख सकते हो, यहाँ पर जो है मेरा गिटार रखा हुआ है, मैं इसको कभी कभी प्ले करता हूँ। पहले जो है बहुत ज़्यादा प्ले करता था, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा तो नहीं कर पाता हूँ। और इसकी जो है स्ट्रिंग भी टूटी हुई है, आई गेस वो जो है बी वाला जो स्ट्रिंग है वो टूटा हुआ है, तो मैंने इसको थोड़ा सा जो है लूज़ करके रखा है जिससे कि जो है बेंड ना हो। और इसमें मैंने थोड़ी सी और कलाकारी की है, आप ये देख सकते हो, ये जो है ना पहले रेड कलर का था, पर मैंने जो है ना इसमें विनाइल शीट लगा के जो है इसको जो है मैंने रैप कर दिया है। और सेम चीज़ एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप ये देख सकते हो मेरा टेबल जो है कंप्यूटर का वो कुछ अलग कलर का है, पर मेरा ऊपर का जो ये सरफेस है वो वाइट कलर का है। तो सेम ये भी जो है मैंने विनाइल चढ़ाया हुआ है इसके ऊपर, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, आपको ईजिली मिल जाएगा ये फ्लिपकार्ट में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ लगती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक म्यूज़िक सिस्टम रखा हुआ है मेरा ऊपर, जो मैंने ऊपर की तरफ रखा हुआ है। ये म्यूज़िक सिस्टम में मैं मोस्टली क्या करता हूँ, गाने सुनता हूँ जब मेरे को है ना कभी भी गाने सुनने होते हैं, तो मैं इसको जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रखा हुआ है, डायरेक्टली फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है पेयर करके, जो मैं इसमें गाने बजा सकता हूँ। मैं जो है इसको कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर में जो है मेरा मदरबोर्ड जो है वो ब्लूटूथ सपोर्ट करता है। साथ ही साथ में आप ये देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ जो है ना, यहाँ पर एक लैंडलाइन रखा हुआ है जो कि बहुत ही कम यूज़ होता है, क्योंकि यार एयरटेल का इंटरनेट है तो ये जो है मिलता ही है इसके साथ, तो अच्छा है वो चीज़। और साथ ही साथ में आप नीचे देख सकते हो मेरा जो है ना प्रिंटर रखा हुआ है एप्सन का L830, और कुछ चार्जिंग के लिए जो है ना ये सब जो है चार्जर्स रखे हुए हैं आईपैड के, तो मैं जो है पूरी चार्जिंग करता हूँ यहाँ पर, और सारी चीज़ें जो है चार्ज होती हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैक साइड की, जो कि मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है मेरे चैनल का, और वो है ये
तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो है मैं अपने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है ना सजा के रखता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बार का जो इस ईयर का जो सबसे बड़ा ग्रेड है वो है नाइकॉन का D780, जो इसका बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है, और ये AD300 Pro जो मैंने परचेज़ किया था ये जो है यहाँ पर रखा हुआ है। साथ ही साथ मैं आप देख सकते हो ये जो है ना मेरा Z50 का बॉक्स है, ये 85 mm का बॉक्स है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो है हनीकॉम ग्रिड का है एक जो है ना मैंने फ्लिपकार्ट से लिए थे ये वाले, यहाँ पर भी जो ये वाला जो स्टैंड है और यहाँ पर जो ये स्टैंड है विडन का, ये दोनों जो है मैंने फ्लिपकार्ट से लिए थे और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उस कॉर्नर पर जो है मैंने कुछ 3 लाइटें लगा हुए रखी हैं जिससे कि जो है ना थोड़ी सी डेप्थ मिल सके और वीडियो जो है अच्छी लगे। वो जो है येलो कलर की लाइट है, उसको मैंने अभी जलाया नहीं है। और साथ ही साथ में आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा जो है RGB कलर्स का यूज़ किया है। यहाँ पर जो है एक लाइट लगी हुई है और साथ ही साथ में इस साइड भी जो है एक यही वाली RGB जो फ्लड लाइट होती है 60 वॉट की वो लगाई हुई है। और ये सेम जो सेटअप है वो यूज़ करते हैं मनोज दे अपने सेटअप में, और अभी जो उन्होंने यूज़ करना चालू किया, नया जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने देखा था ये चीज़ कि भाई वो जो है इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ये चीज़ मैं बहुत पहले से ही यूज़ कर रहा हूँ, तो इस लाइक आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका सेटअप जो है ज़्यादा अच्छा है मेरा कि मनोज दे का। मैं कोई कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स लाइक मैं जानना चाहता हूँ कि भाई किसका सेटअप ज़्यादा अच्छा है, मेरा कि उनका। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा मुझे। उसके बाद बात कर लेते हैं साइड के बाजू में, आप ये देख सकते हैं मेरा पूरा बेड है, बेड में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं यार। ये एक डेमो एल्बम है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, बेसिकली मैं फोटोग्राफर हूँ तो मैं कभी कभार इसका यूज़ करता हूँ। और ये देख सकते हो वो जो है ना डेड इवो वाला जो है ना हेडफोन भी रखा हुआ है, जो कि मेरे को अनबॉक्सिंग और रिव्यू पर्पज़ के लिए आया था एन्यू रिपब्लिक से। और अब बात कर लेते थोड़ा इस साइड की तरफ क्या है वो जो है मैं बात करना चाहूँगा। तो इस साइड के बाजू में आप ये देख सकते हो मेरा जो है ना सारा कंप्यूटर का जो भी मैंने एसेसरीज जो मैंने लिए थे वो सारे जो है डिस्प्ले पे लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, और इसलिए जो है ना मैंने जो है इसको रखा हुआ है। और साथ ही साथ में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ ना तो होता क्या है, जो बैक साइड जो है वो मेरा वो ये रहता है बैकग्राउंड, और मैं यहाँ पर जो है बैठ कर लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ तो होता ये है कि एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड बना देता है और थोड़ा सा गेमिंग टाइप जो है लुक आता है, इसलिए जो मैंने इसको पूरे सारी जो चीज़ें यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। ठीक है, और ऊपर के बाजू में आप ये देख सकते हो एक एम्बिप्योर का प्यूरीफायर लगा हुआ है, इससे क्या होता है बहुत ही एक अच्छा सा स्मेल निकलता है जिससे कि भाई हम लोगों को काम करने में ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। कोई भी आता है तो मैं उसको ऑन कर देता हूँ, और जो हम लोग फ्रेंड्स होते हैं वो लोग बैठे गॉसिप भी करते हैं तो बहुत अच्छा जो है स्मेल आता रहता है और अच्छा लगता है। साथ ही साथ में इस घड़ी की एक मैं बात बताना चाहूँगा जो कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। होता क्या है कि जब हम लोग नॉर्मल घड़ी खरीदते हैं तो वो जो है ना टक 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 की आवाज़ करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है व्हाइल यू आर एडिटिंग। आपको है ना एक शांत माहौल चाहिए होता है, तो वीडियो बनाते टाइम भी आपको एक शांति चाहिए होती है जैसे कि आप कॉन्सेंट्रेट कर सको अपने वीडियोज़ में। तो मैंने जो है ये वाला अमेजोन से परचेज़ किया था जिसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं आता है, और ये क्वार्ट्ज़ का जो है एक है वॉच जो कि बहुत ही अच्छी लगती है और मेरी इस वॉल के साथ भी मैच हो जाता है, तो ये जो है मैं इसको यूज़ करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ मेरे अनबॉक्सिंग टेबल की, तो आप नीचे की तरफ देख सकते हो ये जो है मेरा अनबॉक्सिंग टेबल है। इस पर भी जो है मैंने ये येलो कलर का विनाइल चढ़ाया हुआ है जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। और इसमें जो है मैं हमेशा अपना ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें वो रखता हूँ। ये जो रिमोट है आप ये देख सकते हो ये लाइट्स को चेंज करने के लिए है, इस लाइट्स को आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको ग्रीन करना तो आप इसको प्रेस करके ग्रीन कर सकते हो। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसलिए जो है मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर चेंज करने के लिए। ये जो है मेरा पावर बैंक है, ये जो है चार्जर है Z50 का, ये मेरा आईपैड है, आईपैड जो है मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं जो है इस टेबल में बैठ के स्क्रिप्टिंग भी करता हूँ, साथ में अनबॉक्सिंग टेबल भी है तो मैं यहाँ पर बैठता हूँ, यहाँ बैठ के जो है मैं सारा जो है अपना स्क्रिप्टिंग करता हूँ, और ये जो है आईपैड यहीं पर ही रखा रहता है स्टैंड पे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ मैं पे देख सकता हूँ एक DJI Mavic Mini का जो ड्रोन है मेरा वो भी यहीं पर ही रखा हुआ है, और अभी रखा ही हुआ है, लॉकडाउन की वजह से जो है ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो पा रहा है तो कुछ कर नहीं सकते भाई। लॉकडाउन खुलेगा तभी जो है कुछ यूज़ करेंगे, और मेरे दूसरे जो चैनल्स है उसमें जो है इसके वीडियोज़ आएंगी ज़रूर, फॉर श्योर है वो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैं यूट्यूब के वीडियो जो है इसी रूम में बैठ के बनाता हूँ तो उसका सेटअप कैसा यूज़ करता हूँ मैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो है मेरे पास एक सॉफ्ट बॉक्स है विद लाइट, इसकी भी जो सेटअप है ना पूरी मैंने इसका वीडियो बनाया है और अनबॉक्सिंग वीडियो डाली हुई है, तो आप उसको जाकर देख सकते हो, आई बटन में दे दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक जो है यहाँ पर यूज़ करता हूँ लाइट, और एक जो है मैं इधर की तरफ लाइट यूज़ करता हूँ, इसमें भी एक डिफ्यूज़र लगाता हूँ, और बीच पे आप ये देख सकते हो मेरा ट्राइपॉड स्टैंड है, इस पे जो है मैं अपना कैमरा लगाता हूँ, और ये जो मेरा चेयर है इस पे मैं बैठता हूँ कुछ ऐसा टाइप से, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ बैठता हूँ और जो है एंगल जो है कुछ ऐसा रहता है कैमरे का, और जो है वीडियो ऐसा बनता है। मैं सारी जो टॉकिंग्स है वो यहाँ पर बैठ के करता हूँ, और फिर जब पूरी बात हो जाती है और फिर मेरे को अनबॉक्स करना होता है तो मैं जो साइड वाला अनबॉक्सिंग टेबल है उसका यूज़ करता हूँ और उसमें जो है अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो ये जो है मेन चीज़ है जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने इसमें। और साथ ही साथ में मेरे इसमें कुछ वॉलपेपर्स भी लगे हुए वॉल पे, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऊपर के बाजू में, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वॉलपेपर्स है, और इस साइड भी जो है ना ऊपर की तरफ वॉलपेपर्स है जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और थोड़े से मोटिवेशनल कोट्स भी लिखे हुए इसमें, तो मेरे को जो है जो कि इंस्पिरेशन जो कि मुझे इंस्पिरेशन 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 हाँ यस
इंस्पिरेशन देते हैं, तो वो जो है बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद बात कर लेते हैं, एक यहाँ पर जो है ना, मेरे यहाँ पर पीछे की तरफ देख सकते हो आप, यहाँ पर जो है कूड़ा कूड़ादान है। कूड़ादान, कूड़ादान मतलब समझते हैं ना आप, यहाँ पर जो है सारे जितने भी अनबॉक्सिंग के जो रिलेटेड कंटेंट्स आते हैं ना, मैं सारे यहीं डाल कर रख देता हूँ। जब भी अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पड़े रहते हैं। और यार बिल्कुल बताऊँ तो इनको साफ़ करने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि हर हफ्ते जो है, हर महीने जो है 8 से 10 प्रोडक्ट आते हैं, और वो फिर से मैं उनको डब्बों को रखना और जो प्रोडक्ट है उसको रखना, क्योंकि समझ में नहीं आता कौन सा प्रोडक्ट किसका है। तो इट्स लाइक मैं इनको यहाँ पर ही फेंक देता हूँ। पर फॉर श्योर मैं बहुत जल्दी जो है ना इसको भी क्लीन अप करूँगा और एक एक चीज़ अच्छे से भी दिखाऊंगा इनके। तो अभी के लिए तो वो चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं है, उसको ऐसे रहने देते हैं। और आप ये देख सकते हो मेरा जो कैमरे का बैग है, उसको जो है मैं यहाँ पर रखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं उसको हमेशा जो है चेयर के ऊपर रखता हूँ। समटाइम्स क्या होता है, कभी हम लोग जैसे घर साफ़ करते हैं तो पोछा लगाते हैं, तो हो सकता है कि मैट भी पॉसिबल कि बैग जो है भीग जाए, और भीग जाएगा तो भाई कंटेंट जो है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए मैंने एक चेयर के ऊपर उनको जो है ना सारा रखा हुआ है सजा के। तो ये तो रहा मेरा पूरा रूम टूर सेटअप। आप बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा रूम टूर सेटअप। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।